नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र विकल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीएस गुरु विकल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक किए हुए हैं। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने जैसे बात की थी कि आज हम लोग नोबेल प्राइज 2019 की बात करेंगे, तो देखिए इसमें नोबेल में सबसे बड़ी समस्या सबको ये होती है कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, और उनका नाम हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो उसको आज हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो नोबेल प्राइज। देखिये सबसे पहले नोबेल प्राइज की बात करें तो देखिए जो पहला नोबेल प्राइज है वो देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया, याद रखिए तीन लोगों को दिया गया, पीटर जे रेडक्लिफ, ग्रेग एल सीमेंजा और विलियम जी कालिन। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक देखिए, आपको याद ऐसे रखना है कि एक मान लीजिए रैट है, एक मान लीजिए चूहा है, रैट चूहा है वो एग खा रहा है, अंडा खा रहा है, और वो कालीन पर बैठा हुआ है। कालीन हम लोग जानते हैं जिस पर बैठ के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है कि एक चूहा है, रैट है, जो कि एग खा रहा है और वो कालीन पर बैठकर एग खा रहा है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन किन लोगों को नोबेल दिया गया। फिर से रिवाइज करता हूं, आपको याद हो जाएगा कि देखिए एक चूहा है जो एग खा रहा है और वो कालीन पर बैठा है। तो एक चूहा कालीन पर बैठकर एक खा रहा है, इससे आपको तीनों नाम एकदम याद हो जाएंगे। देखिए रैट होगा चूहा, एक हो जाएगा एक, और कालीन से कालीन। तो इस तरह से आप देखेंगे पीटर जे रेडक्लिफ, ग्रेग एल सीमेंजा और आपका विलियम जी कालीन। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को, कौन कौन से लोगों को नोबेल दिया गया। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिसको हम लोग जानते हैं रसायन के क्षेत्र में, तो देखिए रसायन के क्षेत्र में तीन लोगों को दिया गया नोबेल प्राइज। अब इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं आकर्षक नहीं दिखता हूं, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं केमिस्ट्री की लैब में गया और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उससे मैंने कोई केमिकल तैयार किया। तो केमिस्ट्री का रिलेशन किससे भाई, केमिकल से, और वो केमिकल जो मैंने तैयार किया उससे अब मैं ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा हूं। तो उसको समझने की कोशिश करिए कि मुझे गुड इनफ दिखना है, मुझे गुड दिखना है, इनफ दिखना है, और मुझे वाइट दिखना है, क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से मैं भी वैसा ही दिखूं, तो मैं चाहता हूं अपने आप को ऐसा वाइट बनाना चाहता हूं जो कि गुड हो और इनफ हो। ठीक है, और मैं साइनिंग करना चाहता हूं योसिनो से। आप क्या याद रखेंगे कि मैं ऐसा केमिकल रिएक्शन बनाना चाहता हूं जिसको लगाने के बाद मैं क्या करूं, साइन करूं, वाइट दिखूं और गुड इनफ दिखूं। तो इस तरह से आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे, गुड इनफ याद रखना है, वाइड याद रखना है और योसिनो याद रखना है। ठीक है, गुड इनफ से आपका हो जाएगा जॉन बी गुड इनफ, वाइटिंगम से हो जाएगा एम स्टैनली वाइटिंगम, और आपका योसिनो से हो जाएगा अकीरा योसिनो। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि रसायन के क्षेत्र में कौन कौन से लोगों को नोबेल दिया गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो भौतिकी के क्षेत्र में देखिए तीन लोगों को दिया गया नोबेल प्राइज। देखिए डीडीए क्वेलेज, माइकल मेयर और जिम पीबल्स। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि देखिए ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेरी दीदी हैं जो कि मेयर हैं और वो जिम खाती हैं। ठीक है, जिम से हम समझ लेंगे जिम्स। ठीक है, तो मेरी दीदी हैं जो मेयर हैं और वो जिम्स खाती हैं, मतलब जिम से जिम्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे डीडीए क्वेलेज, माइकल मेयर और जिम पीबल्स, याद रहेगा। अगले हम लोग नोबेल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला नोबेल प्राइज है वो देखिए लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साहित्य वाला। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए पीटर हैंड के, तो यहाँ पर देखिए आप पीटर हैंड के, तो ये इनको 2019 के लिए दिया गया है साहित्य का नोबेल प्राइज, और इनको 2018 के लिए दिया गया है। ठीक है, ओल्गा टोकारचुक को। अब याद ऐसे रखना, देखिए साहित्य हम लोग लिखते हैं तो किससे लिखेंगे, हैंड से लिखेंगे। तो हैंड से जब लिखेंगे तो लिटरेचर के लिए हो जाएगा पीटर हैंड के। पीटर हैंड के बारे में याद रखिएगा, 2019 के लिए पीटर हैंड के को दिया गया। आप लोगों को पता होगा कि 2018 का साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था किसी को, आपको याद होगा। तो इस साल 2019 वाला जो दिया गया है 2018 वाले के लिए, वो ओल्गा टोकारचुक को दिया गया। अब याद करना ऐसे है कि 2018 ओल्ड हो गया है ना भाई, तो ओल्ड से हो जाएगा क्या, ओल्गा टोकारचुक। इस तरह से हमने देखा कि लिटरेचर में किसको नोबेल दिया गया। चलिए हम लोग अगली बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की, तो यहाँ पर देखिए तीन लोगों को दिया गया, एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी। तो मान लीजिए कोई, मैं मान लीजिए गरीब आदमी हूँ,
कोई एक गरीब व्यक्ति हूं तो मैं क्या करता हूं, एक डफली मैंने लिया, डफली मैंने एक डफली लिया और मैंने एक माइक लिया और डफली और माइक लेके मैंने संगीत गाना शुरू किया। उसकी वजह से मेरे पास बहुत मेरी इकोनॉमी मजबूत हो गई, मेरे पास पैसे आ गए, तो मैंने अपनी गरीबी पर क्या ली, जीत प्राप्त कर ली। तो इस तरह से आपको याद रखना है डफलो, एक वर्ड याद रखना है डफलो और एक वर्ड याद रखना है माइक और दूसरा याद रखना है तीसरा आपको अभिजीत। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि इकोनॉमी के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर याद रहेगा। तो यहां पर देखिए एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी। क्लियर। अब देखिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग देखते हैं पीस, शांति के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए साहित्य और शांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो याद रखिए अबी अहमद। ठीक है, ये इथोपिया के राष्ट्रपति हैं। देखिए जो इथोपिया और इरिट्रिया के बीच विवाद चल रहा था, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ऐसे ही 30 वर्ष पुराने विवाद को इन्होंने समाप्त करने का शानदार काम किया है, तो जिसके लिए इनको शांति का नोबेल दिया गया। तो देखिए इस तरह से हमने चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति, इस तरह से हमने इन 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल प्राइज की बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लें। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहें, अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।